two similar coil of radius r lying concentric with their plane right angle to each other. अब टू सिमिलर क्वाइल है जिसकी रेडियस आर है और करंट भी सेम है यार, इंटरेस्टिंग बात है। तो चलो उनका प्लेन सेम है, ये एक क्वाइल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और इसका प्लेन कुछ ऐसा है जिसका सेंटर ओ है, और इसी के परपेंडिकुलर मान लो इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है, आर रेडियस का, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, आर रेडियस के सेम करंट, उनके प्लेन आपस में परपेंडिकुलर, मतलब एक सर्कल का प्लेन हॉरिजेंटल है तो दूसरे सर्कल का प्लेन वर्टिकल है, समझ रहे हो ना कैसे? ये अगर एक सर्कल ऐसे इस प्लेन में ऐसे सर्कल बनाया गया है तो दूसरा वाला सर्कल इस प्लेन में बनाया गया है, तभी तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे और उनका सेंटर सेंटर सेम आ रहा है। तो कहता है नहीं, करेंट फ्लोइंग इन देम आई एंड टू आई, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, एक में करंट आई है एक करंट टू आई है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑब्वियसली। देखो एक एक करके देखो, एक एक करके देखो, अगर कोई सर्कल है जिसमें करंट फ्लो होती है, ये सर्कल है जिसमें करंट फ्लो हो रही, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? राइट हैंड को कर्ल कर देते हैं, थंब को ओपन कर देते हैं, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड बी ऊपर आ जाएगा, बी वन इसको मान लेता हूँ, तो इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड बी वन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ जाएगा, ये वेक्टर ऊपर आ जाएगा, जो जो प्लेन हॉरिजेंटल में रखा हुआ है इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में चला जाएगा। अब जो वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, जो वर्टिकल प्लेन, ये वाला जो प्लेन में रखा हुआ है, दिस वन, इस प्लेन में जो रखा हुआ है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल आ जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया बी टू। अब एक हॉरिजेंटल आ गया, एक वर्टिकल आ गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट आपस में बी होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर अंडर रूट, इन दोनों को मैं इधर ले लो। अब बी वन और बी टू की वैल्यू तो निकाल लो, मतलब जो सर्कल हॉरिजेंटल में है उसका मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल जाएगा, और जो वर्टिकल प्लेन में उसका मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल जाएगा, और वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे आके थोड़ा रियल लाइफ में लाके विजुअलाइज करो, तो यहाँ से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी वन की, जो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड सर्कल पे क्या होती है यार, म्यू नॉट आई टू आर होती है बी वन, तो बी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी म्यू नॉट टू टाइम्स करंट दो गुना है और रेडियस इक्वल टू टू आर, तो ये यहाँ पर अगर मैं रखूँगा सॉल्व करूँगा तो म्यू नॉट आई और यह आ जाएगा टू आर का स्क्वायर और प्लस टू म्यू नॉट आई और टू आर का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये सब इतना ज़्यादा सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, इसको एक एक चीज़ स्क्वायर करके नहीं लिखेंगे, तो जो कॉमन चीज़ है कॉमन आ जाएगा, तो म्यू नॉट टू आर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर चढ़ा हुआ है और इधर बचेगा आई भी बाहर आ जाएगी, तो इधर बचेगा वन, इधर बचेगा टू का स्क्वायर फोर, फोर टू का स्क्वायर फोर होता है भाई, तो ये आ जाएगा रूट फाइव म्यू नॉट आई और टू आर इसका फाइनल सोल्यूशन है, जो कि 45 डिग्री पर नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा डिग्री पर आएगा, तो यह आ जाएगा रूट फाइव म्यू नॉट आई टू आर, दैट इज हम लोगों का प्यारे बच्चों ए ऑप्शन मैच कर रहा है।